सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक नया अपडेट आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं। फंड अलॉटमेंट को लेके आपको इस वीडियो में जानकारी बताएंगे। साथ ही दोस्तों, आपको जो कुछ और जानकारी है यूपी स्कॉलरशिप के बारे में वो भी आपको अवेलेबल कराएंगे। तो दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे ये हम आ चुके हैं और यहाँ से आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं इसमें आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत जल्दी यहाँ अलॉटमेंट को लेके नया अपडेट आने वाला है आप सभी लोगों के लिए। और अभी मैं आपके लोगों के लिए जो नया अपडेट लेके आया हूँ वो फ़ंड अलॉटमेंट लेके ही आया हूँ। तो दोस्तों, उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी बता देता हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि जो इसमें करेक्शन की जो डेट थी 31 दिसंबर 2019 थी, और जो उसके बाद आपका जो इंस्टीट्यूट है उससे आगे इंस्टीट्यूट ने जो भेजना था उनके लिए 3 जनवरी 2020 इसमें रखी गई थी। साथ ही यूपी बोर्ड के जो अतिरिक्त अन्य बोर्ड हैं, जैसे यूपी बोर्ड के अतिरिक्त यानी यूपी बोर्ड से जो दूसरे और बोर्ड हैं जैसे CBSE, ICSE या अदर बोर्ड जो भी हैं, उनका जो हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र जो संस्था के माध्यम से 5 जनवरी तक जिला कल्याण अधिकारियों को भेजने का था टाइम। और इस तरह से जो आपकी जो यूपी में जो स्कॉलरशिप का इलाहाबाद बैंक, यूपी ग्रामीण बैंक, इस तरह के जो बैंक थे इनमें जो सस्पेक्टेड डेटा जो था उनका बैंक का नाम, बैंक शाखा नाम, खाता संख्या आदि 28 दिसंबर तक ये डेट थी। तो दोस्तों, अब ये बढ़ाई नहीं गई है डेट कोई इसी भी, और बहुत से जो छात्र हैं उनके अभी भी स्टेटस में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है या कुछ ना कुछ उनकी जो जानकारी जो गलत हो रखी है। तो दोस्तों, अब आप सभी लोगों के लिए जो ये अपडेट है इसके बारे में कोई एडिट के बारे में कोई अपडेट आता है तो वो हम आपके लिए वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, नया जो अपडेट आया है आप सभी लोगों के लिए, जो स्कॉलरशिप अलॉटमेंट की जो डेट है 26 जनवरी 2020 आ चुकी है आप सभी लोगों के लिए। 26 जनवरी 2020 को आपका पहला जो फंड अलॉटमेंट है वो हो जाएगा, और जिन छात्रों का पूरा डेटा सही है, जिनका अप्रूव हो चुका है, उनको उनकी जो छात्रवृत्ति है वो जल्द ही अलॉट कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये जो जिन लोगों का सस्पेक्टेड दिखा रहा है उनके लिए मैं बता दूं कि अगर कोई सा भी अपडेट आता है आप सभी लोगों के लिए जिनका कि डेटा सस्पेक्टेड दिखा रहा है या कोई जानकारी छूट रखी है, तो उनको मैं बता दूं कि आप लगातार ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से लेटेस्ट न्यूज़ का जो ये कॉर्नर है इसमें आपको चेक करते रहना है। इसमें कभी भी नया अपडेट आ सकता है, जैसे कि जो हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये ऑफिशियल अभी आया नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बोल सकता कि यह आएगा। लेकिन मेरी जो जानकारी के अनुसार इसमें जल्द ही से एक नया अपडेट आने वाला है, आपका जो डेटा जो गलत है, जो सस्पेक्टेड दिखा रहा है उससे रिलेटेड नया अपडेट जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इस तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।